हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन लेशन नंबर एक अपना डिस्कस हो रहा था, उसमें अपन रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने स्थिर अनुपात के नियम की बात की थी, आज अपन बात करेंगे गुणित अनुपात का नियम। किसकी बात करेंगे बेटा? गुणित अनुपात का नियम। ये किसने दिया था? ये दिया था बेटा डाल्टन ने। किसने दिया था? ये डाल्टन। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, संयोग करके भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, करते हैं जब दो तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं, भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें समान परमाणु भार का तत्व दूसरे तत्व के परमाणु भार से क्रिया करता है, जिसमें उनके भारों का अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। इसमें होता है सरल अनुपात में होता है। ध्यान दीजिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करके भिन्न प्रकार के बनाते हैं, तो उनमें समान परमाणु भार का तत्व दूसरे तत्व के परमाणु भार से क्रिया करता है, जिसमें उनके भारों का अनुपात क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। जैसे बात करें अपन कार्बन और ऑक्सीजन, किसकी बात करें बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक तो बनाते हैं CO, एक बनाते हैं अपने पास में CO। तो इसका अनुभार दोनों में क्या है, समान है 12। तो मैंने कहा समान परमाणु भार का तत्व दूसरे तत्व के परमाणु भार से क्रिया करता है, जिसमें उनके भारों का अनुपात, किसके अनुपात, इसका तो एक ही है 12, परंतु इसका अनुपात यहाँ रहेगा 16, यहाँ रहेगा आपका 32। तो ये आपका 16:32 मतलब किसमें रहेगा, 1:2 में रहेगा। एक तत्व क्या रहेगा, समान परमाणु भार रहेगा, परंतु दूसरे तत्व का जो अनुपात रहेगा वो किसमें रहेगा, सरल अनुपात में। यही क्या है अपने पास में, गुणित अनुपात का नियम है। क्या है ये? गुणित अनुपात का नियम है। क्लियर? दो तत्व है कार्बन ऑक्सीजन, जिन्हें मिलकर क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक तत्व का परमाणु भार फिक्स है दोनों में 12, परंतु दूसरे तत्व का परमाणु भार और यहाँ ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर 32 है, तो 16:32 अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। इसी प्रकार का अपन दूसरा उदाहरण लें, इसकी बात करें अपन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। किसकी बात करें बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक बनाते हैं N2O2, एक बनाते हैं अपने पास में N2O3, एक बनाते हैं N2O4, एक बनाते हैं N2O5, राइट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने 5 तत्व बनाए, 5 युग्म बनाए, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कितने बनाए, 5 युग्म बनाए। अब इस 5 युग्म में समानता क्या है, देखो N2 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 N2, मतलब सब में नाइट्रोजन अनुपात क्या है, 28। कितना ही भाग अनुपात है, 28, क्योंकि नाइट्रोजन किसके रूप में, यहाँ पर N2 के रूप में, राइट? ऑक्सीजन का अनुपात देखो इस वाले में, यहाँ पर देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है, 32 है, यहाँ पे कितना है, 48 है, यहाँ पे कितना है, 64 है, यहाँ पे कितना है आपका, 80 है।
इनका अनुपात किसमें रहेगा? सरल अनुपात में। तो अगर इनको अपन लिखे 16:32:48:64:80, तो सरल में लाए इनको 1:2:3:4:5 तो किसमें है? सरल अनुपात में। इसमें बेटा ये सरल अनुपात में। क्लियर? क्या कहलाता है? गुणित अनुपात का नियम। तो दो तत्व क्रिया करके भिन्न तत्व बनाते हैं, उनमें एक तत्व का परमाणु भार तो समान होता है, परंतु दूसरे तत्व का परमाणु भार जो होता है वो किसमें होता है? सरल अनुपात में होता है। क्या कहलाता है? गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। परंतु इस नियम का खंडन कब हुआ? जब अपने पास में क्या आगे? समस्थानिक आगे। क्या आगे? समस्थानिक आगे। समस्थानिक आने के बाद में इस नियम की पालना नहीं होती है। ये पिछली नियम में बात की थी अपने, समस्थानिक आने के बाद में इस नियम की पालना नहीं होती है। जैसे बात करें अपन H2O ऑक्सीजन के दो समस्थानिक होते हैं O16 और O18 दो समस्थानिक होते हैं। तो अगर अपन बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो वहां पर जो यौगिक बनेंगे H2 और H2O2। अब यहां पर इस में कौन सा ऑक्सीजन है, इसमें कौन सा ऑक्सीजन है, 16 वाला है या 18 वाला है? तो वहां पर इस नियम का पालन नहीं होता है, ये इसका अपवाद है। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार समस्थानिकों के भार के कारण आज के टाइम में इस नियम का पालन नहीं होता है, परंतु जब तक समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी तब तक इस नियम की पालना होती थी। क्लियर बेटा? ये है आपका गुणित अनुपात का नियम, जो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अपने रासायनिक संयोग के नियम चल रहे हैं, उसमें अपने टोटल 3 नियम हो चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था किसने? लियोजियर ने। दूसरा है अपने पास में कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम जो दिया था प्रास्ट ने। और आज अपन ने बात की किसकी? गुणित अनुपात का नियम जो दिया है किसने? क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।